नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज चर्चा करूंगा मैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी एक ऐसा शेयर है मित्रों जिसने निवेशकों को पिछले कई सालों से निराश किया है और आने वाले कुछ सालों में और भी निराश करने की आशंका है। आईटीसी के बारे में इससे पहले भी मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ मित्रों, और सभी वीडियो में मैंने आईटीसी को अवॉइड करने की राय दिया है। एक बार मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आईटीसी को सिगरेट कंपनियों से और एफएमसीजी कंपनियों दोनों से तुलना किया था और दोनों ही दृष्टिकोण से मैंने इनकार किया था कि इस समय निवेश लायक नहीं है। और जिस तरीके से हालात हो गए हैं मित्रों, आईटीसी को लेकर के इतने मीम बन रहे हैं, इतने ट्विटर पर जोक आ रहे हैं जिसके बारे में सोच सोच करके आप हैरान हो जाएंगे, हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे आईटीसी के बारे में जो जोक बन रहे हैं। तो आईटीसी क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहा है? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं मित्रों कि आईटीसी निफ्टी की कंपनी है, 2 लाख करोड़ से ऊपर इसका मार्केट कैपिटल है, लार्ज कैप की कंपनी है और मुख्य रूप से देखा जाए तो इसको एफएमसीजी के तौर पर जाना जाता है। और जब भी इसकी बात होती है तो आईटीसी की तुलना एचयूएल से किया जाता है, नेस्ले से किया जाता है, इस तरह से तमाम उसके जो ब्रांड है उसको लेकर के। लेकिन मित्रों, बहुत इस बारे में जानना जरूरी है कि आईटीसी जो है कुल 4 या 5 तरह के बिजनेस में है। नंबर 1 पे सिगरेट, जो व्हील्स का ब्रांड है, इसी का ब्रांड है। सिगरेट के बाद सिगरेट टोबैको, उसके बाद एफएमसीजी, होटल, स्टेशनरी, एग्री यानी एग्रीकल्चर, ये 4-5 किस्म के व्यापार हैं और भी कई छोटे मोटे इनके व्यापार हैं जिसमें इन्होंने लंबा निवेश कर रखा है, जिसमें ये बिजनेस डील करते हैं। तो इनका जो बिजनेस है ओवर डाइवर्सिफाई है। कहा जाता है कि रिस्क कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन भी इतना अधिक ना हो मित्रों कि जो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाए। तो जानकारों का मानना है कि आईटीसी का जो बिजनेस है वो ओवर डाइवर्सिफाई है, इसलिए यह रिटर्न नहीं दे रहा है। तो हमें इसके प्रति सचेत होना चाहिए। दूसरा, आईटीसी जो है प्योर एफएमसीजी कंपनी नहीं है जिस तरीके से कि नेस्ले और एचयूएल, डाबर वगैरह टाइप की कंपनी है। इसका 40% जो कारोबार है मित्रों वो सिगरेट से आता है, और यदि प्रॉफिट का देखेंगे तो प्रॉफिट का 80% हिस्सा सिगरेट से आता है। और जानिए, एफएमसीजी जो इसका बिजनेस है उसका अभी भी प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन जो होता है मित्रों, एक बहुत बड़ा मानक होता है, उस मामले में अब भी काफ़ी अंतर है एचयूएल और डाबर जैसी बड़ी कंपनियों की तुलना में। इसका एबिटा बहुत ही लो है। और जाने, जो ये कंपनी नया इन्वेस्टमेंट कर रही है वो इन्वेस्टमेंट भी होटल कारोबार में कर रही है आज के डेट में। तो होटल कारोबार में इन्वेस्टमेंट मतलब वहाँ का जो ROCE है यानी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है बहुत लो है। इस प्रकार इन कारणों से मित्रों आईटीसी के शेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और आने वाले कुछ समयों में इसी तरह के परफॉर्म करने की उम्मीद है। तो आईटीसी को अवॉइड करना चाहिए। आईटीसी से बढ़िया बहुत सारी कंपनियां बड़ी बड़ी लार्ज कैप में आप चले जाएंगे तो एचयूएल अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, नेस्ले है, नेस्ले भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, मैरिको है, मैरिको भी देखा जाए तो पिछले कुछ साल से प्रदर्शन नहीं किया, मैरिको भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैरिको के बाद आएंगे डाबर है, और छोटी कंपनियों में चले जाएंगे तो तमाम छोटी छोटी कंपनियां हैं, जैसे आपके एक प्रताप स्नैक्स है, बहुत छोटी कंपनी है, आप ज्योति लेबोरेटरीज को देख सकते हैं, ये एफएमसीजी कंपनियां हैं। और नहीं तो ब्रिटानिया को देखिए, ब्रिटानिया बहुत बेहतरीन है, लगातार आउट परफॉर्म कर रही है मार्केट को। ब्रिटानिया के बाद देखेंगे तो इसी सेगमेंट का एक और जो आता है जुबिलेंट फूड, लगातार अपने नई ऊंचाई को छूता जा रहा है, जो डोमिनो का पिज्जा चलाता है। तो मेरा अपना मानना है मित्रों कि आईटीसी से बढ़िया विकल्प मौजूद है मार्केट में, तो हमें उस तरफ निवेश करना चाहिए और आईटीसी में तब तक निवेश नहीं करना चाहिए
जब तक कि ये अपने बिजनेस को डीमर्ज न कर दे। मर्जिंग डीमर्जिंग हम जानते हैं मित्रों, जब कंपनियां बिजनेस को एक दूसरे में समाहित करती है, जैसे दो कंपनियों का बिजनेस है और एक दूसरे में समाहित करती है तो मर्ज कहा जाता है। और जब एक ही कंपनी में कई तरह के बिजनेस होते हैं जब उसको तोड़ते हैं तो वो डीमर्जिंग कहा जाता है। तो ITC को FMCG, सिगरेट, एग्री, होटल, पेपर, इन सब व्यवसायों में अलग अलग हो करके कारोबार करने की आने वाले समय में उम्मीद है। ये कब है, कब आएगी, कोई कहा नहीं जा सकता, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब ये डिमर्जन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी मित्रों, तो निस्संदेह ITC एक बेहतरीन कंपनी होगी। तो हमें उस दिन का इंतज़ार करना चाहिए निवेश करने का। हालांकि इस समय ITC सबसे सस्ता निफ्टी का स्टॉक्स है, FMCG में भी सबसे सस्ता स्टॉक्स है, बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है इसका, 200 रुपये का भाव लगभग चल रहे हैं और 10 रुपये आपको डिविडेंड मिलता है, यानी 5% के आसपास डिविडेंड है। तो जिसको भर भर के डिविडेंड लेना है वो डिविडेंड वाला ITC में निवेश कर सकता है, कैपिटल गेन की उम्मीद अभी कम है। और जिसको FD में पैसा लगाना होगा, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, उसके लिए भी ITC एक बेहतरीन विकल्प है। न तो ये बढ़ेगा न तो घटेगा, एक स्थिर हाथी की तरह से मंद गति से वो चलता रहेगा। जोखिम बहुत कम है लेकिन हाई रिटर्न मिलने की उम्मीद भी कम है, डिविडेंड जबरदस्त है। तो जिसको डिविडेंड लेना है वो ITC को खरीद सकता है, खरीदता रहे। जब जैसे मान लीजिए आज की डेट में हमने 500 शेयर ITC का लिया, तो 500 जैसे हम डिविडेंड का सॉरी 500 का शेयर जैसे हम लेते हैं मित्रों, लगभग 1,00,000 रुपये में 500 शेयर्स के ड्यू आ जाएंगे ITC के। तो अब उस पर 10 रुपये के हिसाब से देखा तो 5,000 डिविडेंड मिलेगा। तो अब हम इस 5,000 को जैसे डिविडेंड मिलता है फिर से ITC का शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए 25 और शेयर खरीदें, अगली बार डिविडेंड बढ़ जाएगा, फिर जो डिविडेंड मिलता है उसका फिर ITC खरीदे। तो यदि हम इस तरीके से करते हैं तब भी हम पैसे को ठीक ठाक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। FD और जो बैंक में हम सामान्य पैसा रखे हुए हैं उससे तो हम ज़्यादा प्राप्त कर ही लेंगे, हर हाल में कर लेंगे। लेकिन जो चाहता है कि साल भर के अंदर अंदर हम 40-50% रिटर्न प्राप्त करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ITC इस तरह का रिटर्न देगा। तो ये मेरा ITC पे व्यू है मित्रों, कई लोग हमसे पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, यदि कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। जय हिंद।